बांग्लादेश अपनी आज़ादी की स्वर्ण जयंती मना रहा है। 70 के दशक में 9 माह चले नरसंहार के बाद पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म देने में भारत ने जो भूमिका निभाई थी वह इतिहास के पन्नों में अंकित है। शेख मुजीब ने बांग्लादेश को भारत की ही तरह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया था और उसके संविधान में अंकित करवाया था। वह बांग्लादेश के जन्म के लिए जहां भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति दृढ़ थे, वहीं कुल 16 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के 9% हिंदुओं के प्रति भी उनमें सद्भावना थी। लेकिन शेख मुजीब की हत्या के बाद सत्ता संभालने वाले सैनिक शासक जनरल जियाउर रहमान ने बांग्लादेश को इस्लामी राष्ट्र बना दिया। बांग्लादेश इस्लाम का राष्ट्र धर्म होने के कारण वहाँ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी हत्याएं यह बयां करती हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का जीवन पूरी तरह असुरक्षित है। और तब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होने शुरू हो गए हैं। हर वर्ष पूरे बांग्लादेश में 13,000 से अधिक दुर्गा पूजा विभिन्न जिलों में आयोजित की जाती है। वहाँ के गाँव वाले हिंदू बताते हैं हर वर्ष पूजा के आयोजनों में मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी चंदा देते हैं। हिंदुओं की संख्या गांव में कम है और वह स्वयं चंदा इकट्ठा कर पूजा नहीं करवा सकती, इसलिए कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोग चंदा देकर पूजा आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को मुस्लिम के ये उदार रवैये पसंद नहीं आते हैं और वे हमले कर देते हैं। इन्हीं हमलों के कारण बांग्लादेश में ताज़ा हिंसा में 2 और हिंदू मारे गए हैं। नोआखली जिले में भीड़ ने इस्कान मंदिर पर हमला कर सदस्य पार्थ दास की निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, झूठी अफवाहों से फैली हिंसा के बाद न सिर्फ हिंदुओं के घरों पर हमले हुए हैं बल्कि उनकी दुकानों को भी लूटा जा रहा है। गत वर्ष जब कुछ स्थलों पर दुर्गा पूजा के दौरान हमले हुए थे तो हिंदू संगठन हिंदू असिस्टेंस के प्रमुख उपानंद ब्रह्मचारी ने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का ध्यान आकर्षित किया था। तब दोनों देशों के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं को पूरी सुरक्षा नहीं मिली। आज जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब हिंदुओं और हिंदू संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका को भुला दिया गया है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।